वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आत्मकथा। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी लिखते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, तो मैं उन सावधानियों की चर्चा इस वीडियो में करूंगी। जैसे फर्स्ट हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन। इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी किसके बारे में बता रहे हो आप, तो आपको वो बनना होता है। जैसे मैं एक सिक्का हूँ, या मैं एक घड़ी हूँ, मैं एक छाता हूँ, मैं एक नदी हूँ, मैं एक पेड़ हूँ, मैं एक साइकिल हूँ, मैं एक बल्ला हूँ। तो आप जिसकी भी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं वो आपको बनना है। फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, कहाँ बना, कैसे बना, कितने रंग का होता है, कितने रुपए का मिलता है, तो ये सब बारे में आपको लिखना है। तो उसके बाद में आपको ये हो गया इंट्रोडक्शन। सेकंड लिखना है आपको बॉडी। तो बॉडी में आप कोई घटना लिख सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं उससे संबंधित, और आप उसके बारे में डिटेल में आप उसके बारे में लिखेंगे। और थर्ड क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप उस, मैंने कि आपको शिक्षा लिखनी है। जैसे घड़ी की आत्मकथा में जैसे घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें नए फ्रेंड बनाते रहना चाहिए, इस तरह का मोरल आपको लिखना है। और जैसे तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं जैसे पेड़ की आत्मकथा का एक उदाहरण देती हूँ, तो आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये किसका पेड़ है। सबसे पहले तो ये लिखना है कि मैं आम का पेड़ हूँ या नीम का पेड़ हूँ, जो भी आपको बताना है वो बताएंगे आपको। फिर उसके बारे में बताना है इसके, ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया आपकी, किसका पेड़ है, कहाँ लगाया गया हूँ मैं, घर में लगाया गया हूँ, बगीचे में लगाया गया हूँ, वन में हूँ, तो आपको उसके बारे में बताना है। फिर बाद में आपको उससे रिलेटेड कहानी लिखनी है कि मुझे कब उगाया गया, कैसे उगाया गया, मेरी गुठली कहाँ पे फेंकी गई, मैं उग गया, फिर मेरी परवरिश कैसे हुई, फिर मेरे पे जब फल आया था मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, मेरे फल क्या काम आते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो आप डिटेल में लिखेंगे। फिर कंक्लूजन में, अंत में आप कोई मोरल लिख सकते हैं। मोरल में आप कोई भी शिक्षा की ये लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मेरे साथ बहुत स्वार्थपूर्ण व्यवहार किया गया क्योंकि मेरे पे फल आने बंद हो गए। तो इस प्रकार से आप ये आप उसमें लिख सकते हैं कि हमें कभी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आप थर्ड पार्ट कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारी आत्मकथा इस वीडियो में दी है, तो आपको करना क्या है, इन आत्मकथाओं को ध्यान से सुनना है और एक एक करके आपको इनको अपनी भाषा में लिखना है। यानी आप पहले ध्यान पूर्वक इसे सुनेंगे। यदि एक बार में समझ नहीं आती तो दो बार सुनिए, तीन बार सुनिए, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आती है, ध्यान पूर्वक आप इसके तीनों पार्ट सुनिए और फिर इसे लिख के देखिए। इससे क्या होगा, आपके लिए आत्मकथा लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप परीक्षा में अधिकतम अंक उठा सकेंगे। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो रुझान है हिंदी के प्रति वो बढ़े। और आपको ग्रामर में और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन्हें बनाऊंगी। धन्यवाद। पेड़ की आत्मकथा। मैं लगभग सारी दुनिया में पाया जाता हूँ। मैं एक बड़ा और ऊंचा पेड़ हूँ। मेरा जन्म छोटे से बीज से हुआ। एक बच्चे ने एक गुठली मिट्टी में गाड़ दी थी। कुछ दिनों बाद उसमें से एक नन्ना सा पौधा निकल आया। कुछ वर्षों बाद मैं एक पेड़ बन गया। जी हाँ, सही पहचाना आपने, मैं एक आम का पेड़ हूँ। मैं एक बगीचे में पैदा हुआ। जिस बच्चे ने मेरी गुठली को जमीन में गाड़ा था उसका नाम युवराज था। युवराज और मालिक काका ने मेरी देखभाल की। मुझ में वे रोज पानी देते। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा और छायादार वृक्ष बन गया। मेरी 6 भाग है, जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। मुझे खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज तत्व और हरी तत्वों की आवश्यकता होती है। मेरे पत्तों को खाना बनाने का कारखाना भी कहा जाता है। खाना बनाते समय मैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता हूँ और ऑक्सीजन छोड़ता हूँ, और वही ऑक्सीजन मनुष्य लेते हैं। मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वह मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस प्रकार मैं और मनुष्य मित्र हैं।
बसंत ऋतु में मेरे ऊपर बोर आने लगते हैं। कोयल मेरी डाली पे बैठ के कुहू कुहू पुकारती है। धीरे धीरे मेरे आम आने लगते हैं, छोटे आम कसैले होते हैं। रास्ते से जाने वाले बच्चे उन आमों पर निशाना लगाकर तोड़ते हैं। मुझे पत्थर लगने पे बहुत कष्ट होता है, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर मेरा कष्ट थोड़ा कम हो जाता है। धीरे धीरे मेरे आम बड़े होने लगते हैं। माली ने कुछ आम तोड़ लिए और बचे हुए आम बच्चों ने। मेरे कच्चे आम से अचार, चटनी, मुरब्बा बनाते हैं। कुछ लोग इससे पना भी बनाते हैं, जिसको पीने से लू नहीं लगती। मेरे पके आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मैं फलों का राजा कहलाता हूँ। मैं विदेश में भी जाता हूँ। मेरे पके हुए आम लोगों को काट कर खाने में बहुत आनंद आता है। तो कुछ लोग आम रस, फ्रूटी, माजा और आम पापड़ा बनाते हैं। मेरी लकड़ी और पत्ते पूजा के काम आते हैं। मैं लगभग अपनी सारी उम्र लोगों को फल देता रहा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझ पर अब फल नहीं लगते। इसलिए एक दिन जब युवराज के पापा ने एक लकड़हारे को बुलाकर मुझे काटने का हुक्म दिया, तो युवराज ने आश्चर्य से अपने पापा से पूछा, क्या हमें बूढ़ा हो जाने के बाद सभी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? युवराज के पापा ने गुस्से से युवराज से पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब युवराज ने कहा कि आप भी तो एक दिन बूढ़े होंगे, तब मैं भी आपको। युवराज आगे बोल ही नहीं पाया, लेकिन युवराज की इस वाक्य ने उसके पिता की आंखें खोल दी। मैं आज भी युवराज के बगीचे में शान के साथ खड़ा हूँ। युवराज कभी कभी मेरी टहनी पकड़कर झूला भी झूलता है। तो युवराज के पिता मेरी घनी छाँव में बैठकर अखबार पढ़ते हैं। इस प्रकार मैं उनके परिवार का सदस्य बन गया।